Hello everyone, hope you are all well. Welcome back to our channel. फिलहाल time हुआ है, बिल्कुल just अभी उठी हूँ. फिलहाल time हुआ है 4:57. नहीं, just अभी नहीं उठी, माउथ वॉश कर लिया, ब्रश व्रश कर लिया. आज नीचे घूमने नहीं जाने वाली. कनिका भी उठ गई है. नमस्ते. विशिंग यू ऑल अ हैप्पी महाशिवरात्रि. बेटा आज शिवरात्रि है, आप भी बोलिए हैप्पी महाशिवरात्रि. हैप्पी महाशिवरात्रि. जय भोलेनाथ की. जय भोलेनाथ की. रोबिन नहा रहे हैं, रोबिन जाएंगे मंदिर. हमें भगवान जी ने परमिशन नहीं दी, हम मंदिर नहीं जा सकते आज. मेरा बहुत मन था कि मैं 26 तारीख में फास्ट रखूँ, लेकिन मैं नहीं रख सकती. मम्मा, हाँ जी, हाँ जी, चलो. हाँ जी, आज ना शिवरात्रि है. हाँ जी. और पता है, नहीं आज ही पता है कितनी सजावट कर रहे थे. हाँ, आज ही फंक्शन हो रहा था. आपको जाना है मंदिर पापा के साथ? अभी जा रहे हैं. हाँ, अभी नहाना होगा और अभी जाना. लेकिन अभी कैसे जा सकते हैं? नहीं बेटा, फिर मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है. भगवान जी का जल अभिषेक करके तब कुछ खाते पीते हैं. हमारा वाला मंदिर खुला रहता है. सारे मंदिर खुले रहेंगे, लेकिन आज मंदिर में बहुत भीड़ रहेगी. आपको नहा के पापा के साथ अभी जाना होगा. जाना है आपको? ठीक है, तो मैं कनिका को तैयार करती हूँ, रोबिन को भेजती हूँ. धीरे बोल रही हूँ, लड्डू सोई है इसलिए धीरे बोल रही हूँ. लड्डू सो गई थी शाम 4-5 बजे, फिर उठ गई थी 10-11 बजे, लेकिन मैं होश में आने लायक नहीं थी. रोबिन ने संभाली थी, फिर रोबिन फिर उसको सुला दिया था. ज़्यादा आधा घंटा, बस आधा घंटे बाद फिर सुला दिया था. और अभी तक लड्डू सो रही है, क्योंकि लड्डू को कल पूरे दिन मैंने नहीं सोने दिया था. हालांकि मैं खुद इतना थक गई थी, परसों रात भी नहीं सो पाई थी, कल पूरा दिन नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे लड्डू को जगाना था, चाहे कुछ भी हो जाए. तो अब लड्डू रात में सोई है, हम भी रात में सोए हैं, तो हमारा प्रोसेस आज पूरे दिन का नॉर्मल चलेगा. लेकिन मम्मा जी, अभी दिन होने वाला है. हाँ, दिन हुआ नहीं है अभी. अभी टाइम हुआ है 5 बज गए. लेकिन दूसरा दिन हो चुका है. 5 बज गए हैं, तो हम मिलते हैं आपसे दिन में. रोहन और कनिका रेडी है, जा रहे हैं. गुड मॉर्निंग टू ऑल. हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी शिवरात्रि. और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. अभी मैं और कनिका जा रहे हैं नीचे जल अभिषेक के लिए, है ना कनिका? मंदिर के लिए. हाँ, मंदिर में इसको जल अभिषेक बोलते हैं. अभिषेक बोलते हैं उसको, जब जल जल चढ़ाते हैं ना भगवान जी पे. सबको बोलो हैप्पी शिवरात्रि. आप भी हैप्पी शिवरात्रि. इसने अभी बोला. चलिए आप जल चढ़ा के आइए, तब तक वेट करती हूँ. लड्डू हमारी अभी भी सो रही है, सारे काम हो जाएंगे. मेरे घर के एक लड्डू ऐसी हैं जो आराम से सोई रहेंगी. अब बस रोबिन और कनिका घर आएंगे, उसके बाद मुझे चाय बनानी है और पराठे सेकने हैं. Later, tomorrow. अभी टाइम हुआ है वेडनेसडे July 27. कल का पूरा दिन हमारा ऐसा गया कि हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए. गेस्ट का आना जाना लगा रहा और हमें जाना पड़ा बार बार छोड़ने, पिकअप करने. अब मतलब शाम के 6 बजे जाके, नहीं उससे भी लेट, 6:30 बजे जाके हम लोग फ्री हुए. और उस दौरान हमारे सर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मेरे भी रोबिन के, क्योंकि हमारी लड्डू हमको प्रॉपर रात में सोने नहीं देती. हम दिन में सो लेते हैं थोड़ा सा, अपना काम निपटा के दोपहर के वक्त थोड़ा सो लेते हैं तो हम ठीक रहते हैं. हम कल दोपहर में भी नहीं सोए और एक्साइटमेंट, हम भी एक्साइटेड थे. एक्साइटमेंट इतनी थी कि दोपहर के वक्त ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन दोपहर के बाद 4-5 बजे के बाद हम दोनों की आँखें लाल हो गई थी और सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा. लेकिन गेस्ट आए हुए थे, सो भी नहीं सकते थे, ऊपर से बच्चे भी खेल रहे थे, उनको भी छोड़ के नहीं सो सकते थे. तो 6:30 बजे के बाद, गेस्ट के जाने के बाद, फिर मैंने खाना बनाया, सबने खाना खाया और खाना खाती सभी को नींद आ गई. फिर हम सभी लोग सो गए. हम मैं लोग एंड भी नहीं कर पाई, ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई, ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाई. चाह रही थी कि मैं बाहर जाऊँगी जब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, नहीं दिखा पाई, कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमारे साथ हर वक्त कोई ना कोई था और मैं बातों में लगी हुई थी.
अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कि मैं उनको इग्नोर मारूं, गलत बात होती है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाई फिर, और इसीलिए रात 9 बजे वाली भी वीडियो मैं कल शूट नहीं कर पाई, क्योंकि 9 बजे ही नहीं, उससे पहले ही सो गई थी मैं। सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, फिर मैं उठी थी 8 बजे, उठी थी 8 बजे, उठ के मैंने वो डाला था कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके बाद फिर मैं फिर से सर दर्द की गोली लेके सो गई थी, वरना मैं गोली नहीं लेती जल्दी से। तो अभी के लिए शूट करेंगे हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, फॉर सपोर्ट, फॉर योर केयर, फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर ऑल।